ओके, बड़े दिनों के बाद आज मामला दोबारा से गंभीर होने वाला है, बहुत ज्यादा गंभीर होने वाला है। बिक्सू ने हाथ में माइक ले लिया है, मतलब आज होने वाला है हॉरर व्हाट्सएप चैट्स। यस, बट आज की जो हॉरर चैट होने वाली है वो एक समर वेकेशन के इंसिडेंट से रिलेटेड है। एंड या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले स्टोरी को पढ़ने के लिए। सो यस, चलते हैं। विश मी लक, क्योंकि मैं बड़े महीनों बाद करने जा रहा हूं। अरे वापस में मैं क्यों करने जा रहा हूँ? चुप हो जा बिक्सू, इतना डरते नहीं है यार। शरद मैसेजेस आर्यन, तो ये शरद और आर्यन के बीच के चैट्स हैं। एंड शरद आर्यन को लिखता है, भाई कैसी जगह है ये नया ताल, गूगल मैप्स पर भी नहीं मिल रहा है। और फिर आर्यन बोलता है, अरे बहुत छोटा सा विलेज है, 3-4 घर हैं बस, लेकिन घर भी एकदम टॉप के हैं, किसी बंगले से कम नहीं लगते। ओके, तो आई गेस ये किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ ये जाने वाले हैं। समर वेकेशन से रिलेटेड है, तो कहीं समर वेकेशन के लिए वहाँ तो नहीं जाने वाले? तुझे यही जगह मिली थी समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, गोवा चलते मजे करते, लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ आना था। ओह यप, आई वाज राइट, ये समर वेकेशन मनाने के लिए वहाँ जाने वाले हैं। पैसे है गोवा जाने के? नाइस वन, नाइस वन। नहीं, ये इम्पोर्टेंट था करना, ठीक है। तो फिर यहाँ आराम से रहेंगे 10-12 दिन। 10-12, ओके 10-12 दिन में तो तुम उड़ लिए भैया। और करेंगे क्या? खेत देखेंगे। अरे ये अपना प्रिंस है ना, बता रहा है कि पास में जंगल में शिकार पर जा सकते हैं, और 1-2 गांव छोड़कर नौटंकी चलती है, वहां जा सकते हैं। डांस डांस डांस, ये मुझे कैसे बोलूं? ओके, तो ये एक्चुअली में एक थोड़ा विलेज टाइप के एरिया में जा रहे हैं समर वेकेशन स्पेंड करने। एंड इनके साथ इनका कोई दोस्त प्रिंस भी है, हमें ये पता चला है। और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, सच बताऊं, बहुत कुछ उल्टा होने वाला है इनके साथ। मतलब तुम खुद सोचो, जो जगह आज के टाइम पे गूगल मैप्स पे नहीं मिल रही, वो जगह कैसी होगी? बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। कैसे शौक है तेरे? ये मैं ज़ॉम्बी वाला साउंड क्यों निकाल रहा हूँ? ज़ॉम्बी नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो घर पर बैठकर मोबाइल चलाने से तो बेटर है ना। सही बात है, वैसे सही बात है, ठीक है। अब बता तो सही, वहाँ पहुँचना कैसे है? तू कार से है ना, देख जब तू रायगढ़ से 15 किलोमीटर आगे आएगा ना, तो एक लेफ्ट लेना है बस। सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन सिर्फ 30 किलोमीटर अंदर आना है बस। सिर्फ 30? ब्रो यू आर ट्वीकिंग, 30 सिर्फ नहीं होते मेरे दोस्त, तू पहुँच जाएगा। ऑल राइट, आता हूँ तो मैं फिर। ओके, जिस सड़क का रास्ता तुम्हें बताना पड़ रहा है और उबड़ खाबड़ है 30 किलोमीटर तक, वो किस जगह पे जा रही होगी तुम्हें खुद पता चल जाना चाहिए यार, क्यों जा रहे हो तुम? ओके, इसके बाद आर्यन ने उसे कॉल करने का ट्राई किया था, एंड फिर शरद ने पिक नहीं किया उसे। तो फिर आर्यन लिखता है, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है भाई? किसी और ही तरफ निकल गया क्या? अभी तक नहीं पहुँचा। भाई मैं कार चला रहा था, और मैं ड्राइव करते टाइम मोबाइल यूज नहीं करता। ओके, तो वो मोबाइल नहीं चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। मुझे लगा भाई भूत चिमड़ेगा उस पर। ठीक है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा ये तो बता। रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर हूँ, अभी चाय पीने रुका था। ब्रो तू 40 किलोमीटर दूर है अभी भी, तुझे वहाँ से भी 30 किलोमीटर आगे जाना। अबे तुम क्यों जा रहे हो इतनी दूर? टिकट वगैरह करके बस से चल जाते। वैसे बस भी नहीं जाती होगी उस जगह पे, वो जगह गूगल मैप पे ही नहीं है। शरद तू अभी तक वहाँ पहुँचा है? जैसी सड़क है तुझे आते आते 11 बज जाएंगे। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ। शरद भाई तू निकल लिया, सॉरी 11 बजे तक पहुँचेगा अब तू। 11 क्या 12 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कार धीरे ही चला रहा हूँ। ले कर लो बात, ऊपर से गाड़ी भी धीरे चला रहा भाई। बड़ी मुश्किल से बड़े भैया ने उनकी गाड़ी लेने की परमिशन दी है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो सर्विसिंग के पैसे देने पड़ जाएंगे। पैसे देने पड़ जाएंगे पे हंस क्यों रहा है? ठीक है, तो फिर पहुँच तू, मैं तो यहाँ अपने बड़े से गेस्ट रूम में आराम कर रहा हूँ। ओके, आर्यन वहाँ पे है, मतलब वो जहाँ ये रहने वाले वहाँ पे आराम से मजे भी कर रहा है। ओके, और खाने पीने का क्या कैसे है वहाँ? अरे वो प्रिंस के घर पर एक नौकर लगा है, वो बनाता है, पता है उसकी दादी ना टिकाती है। What do you mean, bro? और ये 2 जूस के साइन क्यों है? अब मैं इनको ओके सॉरी, इनको कैसे बोलूं मैं? जूस तो नहीं लग रहे हैं, सच बता रहा हूँ, गंदे बच्चे सच में। हाँ पता, सारा दिन अपने कमरे में बंद थी, तबीयत खराब है उनकी। ओह नो, क्या मैं जैसा सोच रहा हूँ ये स्टोरी वहीं जा रही है? फिर अभी थोड़ी देर पहले खाने के लिए बाहर आई, खाया तो कुछ नहीं बस पिया है। अबे यार तुम्हें पीने पे हंसी आ रही है, तुम कुछ ज्यादा छोटे बच्चे नहीं हो। पिया है, हाँ पिया है। तो कितनी एज होगी दादी की? दिखने में तो 110 साल की लगती है, लेकिन पीने की तो हम सब में अलग ही जान आ जाती है ना, उसमें भी आ गई। भाई ये लोग दादी का रोस्ट कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? प्रिंस को पता चल जाए, मैं तो कह रहा हूँ मारे इनके दुलत्ती। मतलब अपना इंतजाम ऑलरेडी है, भरपूर मात्रा में मिलेगा वहाँ। अब भाई हाँ, बिल्कुल मिलेगा, तुम्हें सब मिलेगा, तुम जाओ तो बेटा एक बार। हाँ लेकिन ऐसे वैसे नहीं, वाइन है वाइन, अपने औकात के बाहर वाली पीते हैं ये लोग। यार क्या बातें चल रही है इनकी। तुम समर वेकेशन एंजॉय करने गए हो या पीने की बातें करने गए हो? चल अपन को भी नसीब होगी। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बार बार कॉल मत करना। शरद रिसीव्स फ्रेंटिक मैसेजेस फ्रॉम आर्यन। हैं? शरद भाई रिप्लाई कर। कहाँ है तू? यहाँ पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ? मैं बस कुछ देर में पहुँच रहा हूँ वहाँ। तू क्या बोल रहा है ये सब? रुक मैं तुझे कॉल करता हूँ। नहीं प्लीज नहीं। क्यों, हो क्या रहा है वहाँ? वो प्रिंस की दादी के साथ कोई दिक्कत है क्या? मैं हल्की नींद में था जब वो अचानक से मेरे कमरे में आ गई। जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे बेड के एक कोने में खड़े होकर मुझे घूर रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझ पर झपट पड़ी। भाई यार। और मेरे हाथ काटने की कोशिश करने लगी। ओह नो ब्रो, ओह नो, भागो वहाँ से। मैं जैसे तैसे उस पागल बुढ़िया को धक्का देकर भागकर अपने रूम से बाहर भाग गया। अब मैं एक दूसरे रूम में बेड के नीचे छिपा हूँ। ओके, वो तभी उसे कॉल करने के लिए नहीं बोल रहा है। ओके, आर यू सीरियस? प्रिंस कहाँ है? एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था भाई, उसकी दादी पगलेट हो गई। प्रिंस को बुलाओ। घर में और कोई नहीं है क्या? पता नहीं, वो थोड़ी देर पहले अपने रूम में सोने गया था। शरद, ये बुढ़िया जानवरों जैसी आवाज निकालते हुए पूरे घर में दौड़ रही है। ओ भाई मुझे हंसी क्यों आ रही है, लेकिन क्या बीत रही होगी भाई इस पे। ऐसी आवाज कोई इंसान नहीं निकाल सकता। तुझे कैसे पता? हाउ कैन यू जज? अच्छा ठीक है बिक्सो, अभी टाइम नहीं है ये करना। ओह माय गॉड भाई, अब क्या करें? अबे 12 बजने वाले, वो पहुंचने ही वाला है यार। शरद, पता नहीं यार, ये तो मेरे खून की प्यासी लगती है। और पीले वाइन उसकी, मेरे को लग रहा है वाइन चुराने गया था, देख लिया होगा उसने, दादी जी ने। जिस तरह से वो मुझ पर झपटी थी, किसी नॉर्मल बुढ़िया में इतनी ताकत नहीं हो सकती। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसकी जीभ नॉर्मल इंसान की जीभ से दुगनी बाहर निकली हुई थी। ब्रो व्हाट? अबे दादी की चिपकली, दांत कुत्तों के जैसे पहने हैं, वो अभी भी मुझे ढूंढ ही रही है। अरे तू भाग आर्यन भाई, तू भाग प्लीज भाग। तू प्रिंस को कॉल कर, वो मेरी आवाज सुन लेगी तो मैसेज कर। एक काम कर, तू रुक मैं ही मैसेज करता हूँ। हेलो प्रिंस। ओके, फिर ये प्रिंस के पास गया। क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? कौन हो तुम और मुझे मैसेज एंड कॉल क्यों कर रहे हो? क्या ये क्या हुआ? मैं आर्यन का दोस्त हूँ शरद, वो अभी तुम्हारे घर पर है ना। तुम्हारी दादी उसे मारने की कोशिश कर रही है। व्हाट? मेरी दादी आर्यन को मारने की कोशिश कर रही है? आर यू मैड? तुम खुद बाहर जाकर देखो ना। ओके, फिर ये आर्यन पे आ गया। आर्यन तू ठीक तो है ना? प्रिंस आ रहा है, वो अपनी दादी को कंट्रोल कर लेगा। हाँ मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो अपनी दादी को पकड़कर रूम में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो तू फिर वहाँ रहा थोड़ी देर, जब वो पागल बुढ़िया कमरे में बंद हो जाए तभी निकलना। ओके भाई, ये क्या चल रहा है? बेचारे समर वेकेशन में आए थे, इन्हीं का वेकेशन हो जाएगा मेरे को लग रहा है। प्रिंस काम्स हिज ग्रैंड मदर डाउन। ओके, उसने बंद कर दिया अपनी दादी जी को। प्रिंस, आई एम सो सॉरी मैन, मेरी दादी को डायमेंटिया है इसलिए वो कभी कभी ऐसे बिहेव करती है। मैंने उन्हें ले जाकर उनके रूम में सुला दिया है, बाकी आर्यन का पता नहीं कहाँ गया। ओह डैम ब्रो। ओके, इसकी दादी को कोई कंडीशन है एक्चुअली, तो वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही थी। वो किसी रूम में छिपा हुआ है, उसको बाहर निकलने के लिए बोल दो। अब सब ठीक है। हाँ बोल देता हूँ। तुम्हारी दादी को अक्सर ऐसे अटैक आते रहते हैं क्या? हाँ, तुम्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आर्यन से ही मिला होगा। उसने तुम्हें बताया कि वो मेरे यहाँ समर वेकेशन स्पेंड करने आ रहा है। हाँ, और उसने तो मुझे भी बुलाया है। रियली? मुझे तो नहीं बताया उसने। तुम आ रहे हो? हेलो आर यू देयर? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। मुझे पता नहीं तुम्हारे गाँव कहाँ पड़ता है। क्या? अबे क्या कर रहा है शरद? रायगढ़ से 12 किलोमीटर पहले एक राइट लेना है और फिर 5-6 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट। अबे तो कुछ और ही बता रहा है। ओह ठीक है, तो फिर देखते हैं कभी फ्यूचर में मौका पड़ता है उस तरफ जाने का तो। बिल्कुल। तुम्हें आर्यन मिल गया क्या? नहीं, तुमने उससे बोला नहीं बाहर निकलने को। ओके, उसके बाद शरद ट्राइज टू वॉर्न आर्यन। ओके भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आर्यन ने इसे कुछ और ही एड्रेस बताया। मेरे को ऐसा लग रहा है ना शरद को इसके दोस्त पे शक है। आई मीन आर्यन के दोस्त पे, जो कि प्रिंस है। आर्यन, तू प्रिंस को कब से जानता है? क्यों? बस 2 मंथ से। जब वो तुझे अपने घर लाया तो क्या तूने उसे बताया कि मैं भी आ रहा हूँ? नहीं, लेकिन इतना बड़ा घर था, मुझे लगा एक और इंसान के आ जाने से क्या ही होगा, तो मैंने तुझे बुला लिया। आर्यन मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे लगता है इस प्रिंस में कुछ गड़बड़ है। वो मुझे गलत एड्रेस बता रहा है। तू अभी बाहर मत निकलना। ओ ब्रो, ओ ब्रो, ओ नो, ओ नो भाई, व्हाट अ प्लॉट। भाई आई वाज राइट, आई वाज राइट। वो उसे गलत एग्जैक्टली 2 एड्रेस अलग अलग बताए हैं। ओ नो, दिस इज मैड, दिस इज मैड। पर मैं तो बाहर निकल आया हूँ और प्रिंस ने मुझे देख लिया है, वो भी मुझे घूर कर देख रहा है। ओह नो, भाग आर्यन प्लीज, वो तुझे अपना शिकार बनाने के लिए अपने घर ले गया है। ब्रो जब शिकार से ये मतलब तो नहीं था। नो नो वे, नो वे। आर्यन प्लीज भाग। भाई मैंने पुलिस को कॉल किया है, शायद कोई हेल्प आ जाए। तू मेरी कॉल उठा। तू ठीक तो है आर्यन? भाई कुछ बोल तो। आर्यन का खून पीकर उसकी लाश को तेजाब के कुएं में डाल दिया है। ब्रो अबे वो अब कभी कुछ नहीं बोलेगा। कौन? प्रिंस। प्रिंस कह सकते हो क्या, या पिशाचों का राजा कह सकते हो। पिशाच, हाँ हम नर पिशाच हैं, इंसान का खून पीकर जिंदा रहते हैं। हम एक इलाके से एक ही इंसान उठाते हैं ताकि इनके गायब होने पर शोरगुल्ला ना हो। ब्रो अबे तभी ये जगह मैप पे नहीं आ रही थी क्या, इसलिए आखिर तक मैंने कोशिश की कि तुम इन सब में ना पड़ो, लेकिन क्या फायदा, तुम तो तुम्हारे दोस्त के बुलाने पर यहाँ तक आ चुके हो। ओह डैम, तुम्हारी सवारी दिख गई है मुझे और मेरे लोगों को। आज हम एक की जगह दो शिकार करेंगे। ब्रो व्हाट और मना लो पार्टी। वो वाइन नहीं थी भाई, वो खून था, खून जो इन्हें रेड वाइन लग रही थी ना, और रेड ब्लड था। अबे यार, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें और व्हाट्सएप चैट्स चाहिए ऐसे तो मेरे को कमेंट करके बताना, मुझे तभी पता चलता है। प्लीज कमेंट करना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।